दुकान से घर, घर से दुकान, या फिर ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, कितने डिस्टेंस से मोबाइल से देख सकते हैं, कितने किलोमीटर तक देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भार्गव। नो इंट्रो नो टाइम पास, डायरेक्ट काम की बात। तो आप में से जो लोग मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको पता होगा कि मैं इस चैनल पे सीसीटीवी कैमराज का अनबॉक्सिंग एंड रिव्यूज करता रहता हूं। जैसे कि हो गया ये सब। और खासकर मैं वाईफाई सीसीटीवी कैमराज का अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करता हूं, क्योंकि ये जो वाईफाई कैमराज है ये नए जमाने का कैमराज है, स्मार्ट कैमराज है और इनका दाम भी कम है, इंस्टॉल करना भी इजी है। इनके लिए अलग से मॉनिटर, डीवीआर कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ एक मेमोरी कार्ड चाहिए और इन कैमराज के लिए एक मोबाइल ऐप आता है, तो मोबाइल से ही सब कुछ हो जाता है। लेकिन आप लोगों में से कई लोगों के मन में एक क्वेश्चन है कि ये जो सीसीटीवी कैमराज है इनको हम कितने डिस्टेंस से देख सकते हैं, और उसके लिए मुझे कई लोगों ने क्वेश्चंस भी किए हैं, जैसे कि कितना किलोमीटर तक देख सकते हैं, अपने फोन में कितनी दूरी से देख सकते हैं, ये कैमरा कितनी दूरी तक कनेक्ट कर सकते हैं, कितने डिस्टेंस तक ऑनलाइन देख सकते हैं, सर जैसे वाईफाई नहीं है तो मैं कैसे दिल्ली से मुंबई देख पाऊंगा, कितने डिस्टेंस से मोबाइल से देख सकते हैं, कितने किलोमीटर तक देख सकते हैं, भाई ये कितने दूरी तक है इनका मोबाइल कनेक्शन, घर और दुकान का डिस्टेंस कितना तक देख सकते हैं, वाईफाई डिस्टेंस, वाईफाई का रेंज कितना है इसका, सर कितनी दूरी तक ये वाईफाई में देख सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों का डाउट है कि इन कैमरास को हम कितने दूरी से देख सकते हैं, तो उसी का जवाब मैं आज के इस वीडियो में देने वाला हूं। तो सबसे पहले ये जो कैमरास है ये वाईफाई कैमरास है, इसीलिए आपको इनको इंटरनेट वाईफाई के साथ कनेक्ट करना होगा। और अगर आप एक बार इन कैमरास को इंटरनेट वाईफाई के साथ कनेक्ट कर देते हैं तो इनके लाइव फुटेज को आप दुनिया के कहीं से भी देख पाएंगे अपने स्मार्टफोन पे, मतलब डिस्टेंस का कोई लिमिट नहीं है। अगर आपने इनको इंडिया पे लगाया है तो अमेरिका से देख सकते हैं, और अगर अमेरिका पे लगाया है तो इंडिया पे देख सकते हैं। तो एक बार इनको आप ऑनलाइन कर देंगे तो डिस्टेंस का कोई लिमिट नहीं है। लेकिन इनमें से कई कैमराज ऑफलाइन भी वर्क करता है, मतलब उसके लिए इंटरनेट का जरूरत नहीं है, तो ऑफलाइन मोड पे ये कैमराज अप टू 20 मीटर्स काम करेंगे। मतलब ये जो कैमराज है और जो आपका स्मार्टफोन है उसका मैक्सिमम डिस्टेंस होगा 20 मीटर, तो 20 मीटर से दूर चले जाएंगे तो ये कैमराज डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। तो ऑफलाइन मोड पे कैमराज को चलाने के लिए आपको घर में वाईफाई इंटरनेट कनेक्शन नहीं चाहिए। मतलब ये जो कैमराज है इनमें से एपी हॉटस्पॉट निकलता है, मतलब इनमें से भी वाईफाई निकलेगा जिनको आप स्मार्टफोन पे कनेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद इन कैमराज को आप अप टू 20 मीटर्स देख पाएंगे। लेकिन बहुत सारे कैमराज है जिनमें ऑफलाइन मोड नहीं है, मतलब विदाउट इंटरनेट ये सब कैमराज नहीं चलेंगे। मतलब मार्केट पे दो टाइप का कैमराज है, एक टाइप के कैमराज को इंटरनेट चाहिए, विदाउट इंटरनेट आप इनको यूज नहीं कर पाएंगे, और एक टाइप का कैमराज है जो विदाउट इंटरनेट भी काम करता है। लेकिन मुश्किल ये है कि आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा कैमराज विदाउट इंटरनेट काम करेंगे, उसके लिए आपको यूट्यूब में रिव्यू वीडियोस देखना ही पड़ेगा, वरना खरीद के लाएंगे उसके बाद आपको पता चलेगा कि उनके लिए इंटरनेट चाहिए ही। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किन कैमराज के लिए इंटरनेट चाहिए और किन कैमराज के लिए इंटरनेट नहीं चाहिए, और लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा मैं। तो ये वाला क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा, मतलब इन कैमरास को आप कितने दूर से देख सकते हैं। उसके अलावा और एक डाउट है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, मतलब इन कैमरास को कैसे कनेक्ट किया जाता है। तो उसके लिए अगर आपके घर में वाईफाई ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन है तो बढ़िया बात है, लेकिन अगर आपके घर में वाईफाई ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो आप एक मोबाइल का हॉटस्पॉट यूज कर सकते हैं। और सभी लोगों को पता है मोबाइल का हॉटस्पॉट कैसे यूज करते हैं। तो मान लीजिए इस मोबाइल से मैं हॉटस्पॉट दूंगा, तो इस मोबाइल को आपको कैमरा के पास रखना पड़ेगा और इसी मोबाइल से ये सब कैमरास कनेक्ट रहेंगे। उसके बाद दूसरा जो मोबाइल है जिसमें आपने ऐप को डाउनलोड किया है उसमें डाटा कनेक्शन ऑन रख के आप इन कैमरास को एक्सेस कर पाएंगे दुनिया के कहीं से भी। तो उसके लिए आपको दो मोबाइल चाहिए होगा अगर आपके घर में इंटरनेट नहीं है। उसके अलावा और एक सोल्यूशन है, इस टाइप का 4G वाईफाई राउटर मिलता है और इस टाइप का 4G वाईफाई डोंगल मिलते हैं, तो इनके अंदर आप 4G या फिर 5G सिम डाल सकते हैं, उसके बाद इनसे भी आपको इंटरनेट वाईफाई कनेक्शन मिलेगा। तो अगर आपके घर में वाईफाई इंटरनेट नहीं है तो इस टाइप का डिवाइस खरीद लीजिए, उसके बाद उनको कैमरा के पास रख के कैमरा को कनेक्ट कर लीजिए, और उसके बाद जिस मोबाइल पे आपने ऐप को डाउनलोड किया है उसमें डाटा कनेक्शन ऑन करके आप दुनिया के कहीं से भी कैमरास को एक्सेस कर पाएंगे, मतलब दुकान से घर, घर से दुकान, या फिर ऑफिस से घर, घर से ऑफिस आप देख पाएंगे। तो अभी बात करते हैं ये जो कैमराज है जिनको इंटरनेट का ज़रूरत नहीं है उनको आप कैसे कनेक्ट करेंगे। तो उनके लिए इन कैमराज से एपी हॉटस्पॉट निकलेगा, मतलब इस कैमरा का जो आईडी होगा उसी नाम से आपको स्मार्टफोन पे वाईफाई शो करेगा। उसके लिए कोई पासवर्ड भी ज़रूरत नहीं है, उसको कनेक्ट करना है और इनके ऐप को डाउनलोड करना है बस। तो उसके बाद आप इन कैमराज को अप टू 20 मीटर्स देख पाएंगे। तो ये जो कैमराज है ये विदाउट इंटरनेट और विथ इंटरनेट दोनों ही काम करता है।
तो ये वाला हो गया आउटडोर वाटरप्रूफ सीसीटीवी कैमरा, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद ये दो जो कैमराज है ये इंडोर कैमराज है, वाटरप्रूफ नहीं है, तो इनको भी आप अप टू 20 मीटर्स यूज कर पाएंगे विदाउट इंटरनेट, तो इनका भी लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। उसके बाद ये जो कैमराज है ये सब विदाउट इंटरनेट आप इनको यूज नहीं कर पाएंगे, मैं आपको इनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको आज के वीडियो से आपका जो डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। अगर आपका डाउट क्लियर नहीं हुआ है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो जल्दी से मिलते हैं एक यूजफुल प्रोडक्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।